अगर आप यूजीसी नेट 2022 की तैयारी करने जा रहे हैं तो पेपर वन सबसे है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप सबको पता है। लेकिन पेपर वन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो आपको 50 में से 40 क्वेश्चन ठीक करवा सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम में, तो वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे पेपर वन के लिए, जिसके जरिए आप बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं इस बार। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपके लिए जरूरी अपडेट, इस बार यूजीसी नेट 2022 की तैयारी करिए और सक्सेस पाइए पेपर वन में स्पेशल कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेगा स्पेशल फीचर, जिसमें आपको मिलेगा 10 यूनिट का कंप्लीट वीडियो पीडीएफ नोट्स। मंडे टू फ्राइडे होगी 5 दिन क्लासेस, सैटरडे होगा आपका रिवीजन, संडे होगा वीकली टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सब कुछ आपको इसमें करवाया जाएगा। तो कोई बुक पढ़नी है ना ही कोई नोट्स बनाने, सब कुछ फुली अपडेटेड इसमें होगा। इसकी कॉस्ट है ओनली 1650 रुपये। कोर्स की वैलिडिटी है 1 साल के लिए, तो जल्दी से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट हो, व्हाट्सअप करें, पूरी जानकारी मिल जाएगी। और फ्री डेमो क्लासेस के लिए अभी डाउनलोड करिए स्टडी भारत मोबाइल ऐप, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो देखिए, मैं यहाँ पे बात करूँगा पेपर वन के सिलेबस के बारे में कि क्या सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको फॉलो करनी है। सो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यूनिट वन टीचिंग एप्टीट्यूड की। आपको पता है कि 10 यूनिट होते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे लिखा है कि 5 क्वेश्चन ईच कैरिंग 2 मार्क्स टू बी सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल, यानी कि 10 यूनिट जो होते हैं, हर एक यूनिट में से जो है वो 5 क्वेश्चन आते हैं और हर एक के 2 नंबर होते हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है 5 क्वेश्चन नहीं आते, किसी में से 6-7 आ जाते हैं, किसी से 8 आ जाते हैं, किसी से 4 आ जाते हैं ऐसे करके, लेकिन होते 2-2 नंबर हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बात करता हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड से, स्टार्ट करते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको क्या पढ़ना है। अब देखिए, जैसे आपके पास कोई नोट्स है, कोई बुक है ना, तो उसमें क्या है कि आपको सारा कुछ, अगर आप जो पढ़ते हैं है ना, इतने गहराई से पढ़ते हैं कि जब आपका एग्ज़ाम होता है आपको याद कुछ नहीं रहता। लेकिन मैं आपको वो टॉपिक्स बताऊंगा, अगर आप उसे अच्छे से करेंगे आपका डेफिनेटली देखिए 50 में से 40 क्वेश्चन इजीली आराम से कवर हो जाएंगे। सो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड में। यहाँ पे लिखा है टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग, करेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट। अब देखिए, बात करते हैं लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में। देखिए, लेवल ऑफ टीचिंग जो है इसमें से क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया था, तो हर बार आता है। आपको पता होना चाहिए मेमोरी लेवल क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है, ठीक है। तो ये लेवल ऑफ टीचिंग इसमें आता है। आप देखिए, ये सारी चीज़ें दी गई है, लेकिन इसमें से मेन इंपॉर्टेंट क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। आपको लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ना आपको सारा है, लेकिन याद आपको क्या रखना है वो आपको मैं बता रहा हूँ। पढ़ना आपको सारा है, छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन फोकस किसके ऊपर करना है, इसके ऊपर, लेवल ऑफ टीचिंग के ऊपर। उसके बाद देखिए, ये टीचिंग का लेवल आ गया। अब बारी आती है लर्नर्स की, लर्नर के करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है एडोलसेंट एंड अडल्ट लर्नर, ठीक है, और इंडिविजुअल डिफरेंस। अब देखिए, यहाँ पे लर्नर करैक्टरिस्टिक्स हमेशा ही आते हैं, ये आपको पूरा ही याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आता है फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, जैसे टीचर को कौन अफेक्ट करता है, लर्नर को कौन अफेक्ट करता है, स्पोर्ट मटेरियल क्या है, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट क्या है, मेन इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे है टीचर का, कि फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, टीचर को पढ़ाने के लिए क्या क्या दिक्कत आती है, स्पोर्ट मटेरियल क्या है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आएगा, स्वयं प्रभा मूक से एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में डेफिनेटली आता है, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, बस आप स्वयं प्रभाव। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, आपको इसमें क्या पढ़ना है, मेनली लेवल ऑफ टीचिंग, और यहाँ पे लर्नर करैक्टरिस्टिक्स पूरा पढ़ना है, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग में टीचर का पढ़िए ज़्यादा, उसके बाद स्वयं प्रभाव मूक पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है, और टीचिंग सपोर्ट सिस्टम आपको पढ़ना है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम आपको पढ़ना है। यहाँ पे इसमें क्या है, कौन कौन से सपोर्ट सिस्टम आते हैं वो आपको करने हैं। एवेल्यूशन सिस्टम में देखिए क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है, बहुत कम आते हैं एवेल्यूशन सिस्टम में, तो ये इतना खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम हो गया, स्वयं प्रभाव मूक हो गया, उसके बाद लर्नर करैक्टरिस्टिक्स हो गया, और साथ में ये वाला हो गया, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग टीचर के लिए, और लेवल ऑफ टीचिंग आप इस साइड में लिख सकते हैं। बारी आती है रिसर्च की, उसमें क्या है, देखिए रिसर्च की टाइप्स क्या है वो आपको करने हैं, मीनिंग तो सबको पता ही है, टाइप्स क्या है, करैक्टरिस्टिक्स क्या है, ये आपको मेनली करना है। पढ़ना सारा है, लेकिन याद क्या करना है, टाइप्स एंड करैक्टरिस्टिक्स
ऑफ रिसर्च। उसके बाद देखिए रिसर्च के मेथड कौन से होते हैं, ठीक है, ये आपको सारे करने हैं। मेथड्स पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, स्टेप्स भी पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में क्या है। तो एक थीसिस और आर्टिकल राइटिंग, ये आपको आना चाहिए, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। बाकी ये रिसर्च एथिक्स हो गया, एप्लीकेशन ICT रिसर्च हो गया, ये इतना खैर इसमें एग्ज़ाम में नहीं आता, मेनली यही चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं। उसके बाद देखिए यूनिट 3 है कॉम्प्रिहेंशन के लिए, यूनिट 3 है कॉम्प्रिहेंशन के लिए। कॉम्प्रिहेंशन आपको पूरा पढ़ना है, एक पैराग्राफ दिया होता है जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है, तो वो सबसे ईजी पार्ट है। ये फ्री के नंबर हैं, 10 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए बारी आती है कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन क्या है। अब देखिए कम्युनिकेशन में मीनिंग सबको पता है, मीनिंग आपने पढ़ लिया। कम्युनिकेशन का टाइप्स आपको पढ़ना है, करेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ना है। अगर आपने टाइप्स पढ़ लिया तो आपको आ जाएगा मेन आती है यहाँ पे वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, ठीक है। वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करिए, साथ में आप इसका टाइप्स एंड करेक्टरिस्टिक्स कर लीजिए, ये आपका इजिली हो जाएगा। मास मीडिया सोसाइटी बैरियर सी वगैरह ये बहुत कम आते हैं, इसमें क्या आएगा टाइप्स एंड करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स के बाद आएगा यहाँ पे वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बारी आती है यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग की। अब देखिए जब बच्चे मैथ का नाम सुनते हैं वो घबरा जाते हैं कि क्या इतना लंबा चौड़ा मैथ करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ रीजनिंग। अब देखिए बच्चे इसकी थ्योरी पढ़ने लग जाते हैं जबकि ऐसा नहीं है। आपको करना क्या है, रीजनिंग में आपको देखिए 3 चैप्टर या 4 चैप्टर करने हैं। मैथ में सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए आपको इतना सारा सिलेबस दिया है, आपको सारा नहीं करना। आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें करना है परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, ठीक है, रेशो प्रोपोर्शन करना है, ठीक है, और परसेंटेज यहाँ पे करना है, और साथ में करना है एवरेज। 3 चीज़ें करनी है, परसेंटेज, एवरेज एंड रेशो, 3 चैप्टर करनी है। बाकी छोड़ दीजिए ये एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। अगर आपने ये 3 चैप्टर कर लिए, परसेंटेज, एवरेज, रेशो, आपका जो 7 यूनिट है, ठीक है, वो भी इसमें कवर हो जाएगा डाटा इंटरप्रिटेशन का, क्योंकि घूम फिर के सवाल यही है। अगर आपको परसेंटेज आ गई, एवरेज आ गया, रेशो आ गया, आपका मैथ जो है इजली हो जाएगा। बाकी देखिए नंबर सीरीज़ है, लेटर सीरीज़ है, आसान होती है। नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, आप नंबर सीरीज़ कर लीजिए, लेटर सीरीज़ को छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जो टाइप्स ऑफ रीजनिंग है उसमें आप डायरेक्शन सेंस करिए, उसके बाद ब्लड रिलेशन करिए, कोडिंग डिकोडिंग करिए, 3 चैप्टर कर लीजिए, आपका ही कवर हो जाएगा। आपको पूरी मैथ्स की बुक करने की जरूरत नहीं है, बस परसेंटेज, एवरेज, रेशो, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ये 3 चैप्टर रीजनिंग में, 3 चैप्टर इसमें, और नंबर सीरीज़ करिए, इसमें आपका हो जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग देखिए कितना लंबा पार्ट है, यहाँ पे आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना सारा नहीं करना। तो आपको इसमें करना क्या है, देखिए आपको मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, आपको क्या करना है, आपको वैन डायग्राम कर लीजिए ये वाला पार्ट, और ये वाला कर लीजिए इंटरनल लॉजिक एंड प्रमाण, ठीक है, और ये वाला आपको बस इतना करना है, बाकी नहीं करना। वैन डायग्राम से लेके यहाँ तक कर लीजिए, आपका हो जाएगा। प्रमाण से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं, प्रमाण से आपका हो जाएगा, ठीक है, इतना कर लीजिए बस। डाटा इंटरप्रिटेशन करने का आसान तरीका वही है, आप इसको छोड़ दीजिए, ये सारा करने के लिए बस परसेंटेज, एवरेज, रेशो करिए, आपका इजीली हो जाएगा। चाहे आपको पाई चार्ट दिया है, टेबल चार्ट दिया, कुछ भी दिया है, जो भी क्वेश्चन उसमें आएगा, आपको बस 3 चैप्टर करने हैं, परसेंटेज, एवरेज, रेशो, जो आपको मैंने यूनिट 5 में बताए हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाले, ये वाले आप ये कर लीजिए। यूनिट 7 आप आँख बंद करके कर लेंगे। यूनिट 8 की बारी आती है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको करना है जनरल एब्रीवेशन एंड टर्मिनोलॉजी, यानी कि आपको फुल फॉर्म पूछी जाएगी, वो आपको करना है, और इंटरनेट पूछा जाएगा इंटरनेट। और सबसे बढ़िया क्या है कि आजकल जो नई नई चीज़ें आ रही है वो आपको यहाँ पे पूछी जाएंगी, ठीक है, वायरस क्या है, ठीक है, उसके बाद इंटरनेट वॉर्म क्या है, ठीक है, वॉर्म क्या होता है, ऐसे करके क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं। ICT एंड गवर्नेंस में देखिए जो जो नई नई चीज़ें आती हैं, डिजिटल चीज़ें आती हैं, वो यहाँ पे पूछेंगे। पहली बात आपको फुल फॉर्म पूछनी है, करनी है। ICT गवर्नेंस में आपको ये पूछना है कि गवर्नमेंट ने अपने गवर्नेंस में, अपने शासन में ICT के लिए क्या क्या चीज़ें लेके आए हैं, हायर एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें लेके आए हैं, क्या क्या नई चीज़ें लेके आए, जैसे स्वयं प्रभा मूक है, अगर कुछ नया लॉन्च कर देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम है जो ऑनलाइन है स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए है ना, तो वो इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है, ये इसमें आपको करना है। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में देखिए ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं, लेकिन इसमें मेन क्या आता है,
मेन आपको यहाँ पे आता है नेचुरल हजार्ड मिटिगेशन का और एक्ट का। देखिए ये एक्ट यहाँ पे दी गए हैं, ठीक है। इसमें फेमस है क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। और जो नया अभी तक जो अभी लेटेस्ट वाला अभी आया है या आएगा इस साल, एक साल पहले का आपको करना है कि क्या गवर्नमेंट ने हमारे वर्ल्ड में कुछ नया एग्रीमेंट किया है एनवायरनमेंट को लेके, आपको वो याद रखना है। उसके अलावा आपको क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट करना है और उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन करना है, बस ये इसमें करना है। आपका ये सारा इसमें कवर हो जाएगा और साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिलेनियम एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल करिए, सस्टेनेबल गोल करिए, उसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन करिए और एक्ट करिए कि कौन सा एक्ट आया है, बाकी छोड़ दीजिए, आपका इसमें एक सिलेबस कवर है। और लास्ट हायर एजुकेशन सिस्टम, सबसे बड़ी बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो गवर्नमेंट की है उसकी क्या बेनिफिट है वो पूरा आप रट जाइए, इसमें से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट ने क्या नई चीज़ लेके आए हैं आपके लिए, जो आपके लिए ज़रूरी है, क्या कोई ऑनलाइन सिस्टम लेके आए हैं वो आपको करना है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, आपके स्टडी के रिगार्डिंग गवर्नमेंट क्या क्या नई नई चीज़ें लेके आ रही हैं, स्कीम्स क्या हैं गवर्नमेंट लॉन्च किए हैं वो आपको यहाँ पे करनी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको यहाँ पे करनी है। उसके अलावा कौन सी यूनिवर्सिटी किस रैंक पे है, जैसे NIR रैंकिंग है वो आपको यहाँ पे करनी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NIR रैंकिंग लेटेस्ट वाली और गवर्नमेंट नई स्कीम लेके आए हैं वो वाली आपको यहाँ पे करनी है। उसके अलावा आपको यहाँ पे बस यही करना है और कुछ नहीं करना, तो ये आपका इसमें ईजिली कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं सिलेबस में, देखिए बहुत चीज़ें हैं लेकिन सिलेबस है 2019 का, अभी है 2022, तो आपको जो जो नई नई चीज़ें आ रही है वो इसमें ऐड करनी है, पढ़ना सारा है लेकिन याद क्या करना है जो नए वाला है, कि ताकि आपको वो सारी चीज़ें याद रहे। तो सिलेबस आपको इस हिसाब से ख़त्म करना है कि ताकि आपका सिलेबस टाइम पे ख़त्म हो और आप इसे इजीली आराम से कर पाएँ। सो ये थी वीडियो, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है पेपर वन के लिए स्पेशल तरीके से, वो आप कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प इसमें हो जाएगी।